हेलो ज्वेल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ केशव कटोच। सो आप सभी जो है वो एचपी एलाइट की जो पोस्ट है उसकी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, एंड ये भी होप लगाई जा रही है कि इसी साल एचपी एलाइट सर्विसेज की जो पोस्ट हैं वो आएंगी ज़रूर। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कि एचपी एलाइट की तैयारी जो है वो फ्रेश जो है वो अब स्टार्ट करेंगे, और उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखिए, हमारे को हर चीज़ जो भी हम पाना चाहते हैं या जिस चीज़ के बारे में हम स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, उसके बारे में थोड़ा मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है, कैसा पैटर्न होगा, किस तरीके की जो टॉपिक्स हैं या सिलेबस जो है वो किस तरीके का होगा। तो ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी, पूरा आखिरी तक ज़रूर देखना आप सभी ने। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो भी सकता है कि आपको पता हो, कुछ बच्चों को पता हो, बट फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो काफ़ी कुछ जो है वो आपको नई चीज़ें जो है वो इसमें देखने को मिलेंगी। सो एचपी एलाइट का आज हम देखेंगे पोस्ट पैटर्न और एलिजिबिलिटी और सिलेबस जो है वो क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है स्टार्टिंग में, और इस प्रीलिम्स जो आपका स्टार्टिंग में प्रीलिम्स होगा इसके नंबर नहीं जुड़ते, नंबर आपके मेंस के ही जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये इनिशियली आपका जो पेपर होगा ये 200 मार्क्स का आपका पहले पेपर होगा। ठीक है, 1 मार्क मिलेगा आपको ईच, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, जो लास्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो 2020 में हुआ था, लॉकडाउन से पहले ही एग्जामिनेशन हुआ था, और लॉकडाउन के बीच में ही इसका मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, और दिसंबर के करीब इसमें जो है वो इसके फाइनल रिजल्ट जो है वो आया था। तो अब जो है वो तब से जो पोस्ट नहीं निकली है, ठीक है, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो है वो नई पोस्ट जरूर आएंगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला पेपर जो है वो आपका एक तरीके का, जैसे आप एचएएस का आप देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके और मेंस में किस तरीके का पैटर्न होता है। उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, मतलब ये एक तरीके का सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब आपको क्वेश्चन आंसर जैसे आप लिखते हैं, जैसे मेंस राइटिंग आप एचएएस में करते हैं, उसी तरीके की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर आपने ध्यान रखना है कि अगर 200 मार्क्स का आपका पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ये बच्चों को, कईयों को नहीं पता होता कि इसमें नेगेटिव है, क्योंकि एचएएस में आपकी 0.33 की आपकी जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सो 1/3 उसमें होता है, और यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी 0.25 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने। और दूसरी चीज़, आप ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि अभी अगर आप जैसे एचपीपीएससी की नोटिफिकेशन निकालेंगे, जहाँ पे आप सिलेबस में जाएंगे, वहाँ पे आपको देखो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरव्यू भी है। ठीक है, आप देखेंगे ये एक कन्फ्यूजन है कि उनकी अपनी ही साइट पर जो नोटिफिकेशन उन्होंने दी है, जहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी जो होगा, बट पिछली जो नोटिफिकेशन थी उसमें इंटरव्यू नहीं था, उसमें आपके जो इवेल्यूएशन की जाती है 15 मार्क्स की, और अभी जो है इवेल्यूएशन जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर चुकी है। तो अब ये नई नोटिफिकेशन में पता लगेगा कि क्या प्रोसीजर इन्होंने रखा है। जैसे एनटी में आपका इंटरव्यू होता है, अब यहाँ पे भी इन्होंने कोई इंटरव्यू रखा है, या सिंपली इनका जो है वो पेपर जो है वो आपका जो मार्क्स आपके आएंगे और इन दी एंड उनको क्या दी जाएगी, पोस्ट जो है वो दे दी जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें सेम यही चीजें बात बताई गई हैं आपको, ऑफिशियल साइट से आपको वहां पे भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की ओर। देखो, एलिजिबिलिटी जो है वो सबसे मेन चीज, तो आप सभी को पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे होंगे, बट यहाँ पे मैं एक और चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज, सिटीजन ऑफ इंडिया के होने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन्होंने नोटिफिकेशन में, अ कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट इफ ही शी हैज पास मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश, और प्रोवाइडेड इज कंडीशन शैल नॉट बी बोनाफाइड ऑफ हिमाचल। तो आप तो या तो आपने हिमाचल से 10+2 की हुई है, एचपी बोर्ड से आपने 10+2 की हुई है, या फिर आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब आप पैदा जो है वो हिमाचल में होना चाहिए, बोनाफाइड आपका हिमाचल का होना चाहिए। तो मतलब आउटसाइडर्स जो है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो ग्रेजुएशन लिखी गई, चाहे आप बीटेक हैं, चाहे आप बीए हैं, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे बीकॉम है, या फिर आपने जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें इसमें कोई भी जो है वो टेक्निकल जो जो एलिजिबिलिटी है वो काइंड ऑफ यहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट प्रोफेसिंग प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन विच आर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इक्वलेंट टू प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री वुड ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एग्जामिनेशन। मतलब जो सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कि हाँ ये इनको हम ग्रेजुएशन में कंक्लूड करते हैं, उनको भी इसमें ऐड किया गया। बट हाँ, ये ध्यान में रखना कि सिंपल ग्रेजुएशन वाला भी इसको फॉर्म को भर सकता है, और इसकी एज जो है वो 18 to 45 ईयर्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो इसकी एज है। तो मतलब जो आप लगा सकते हो कि 45 से नीचे भी हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी जो है
ये मैं जो बता रहा हूँ ये जनरल की बताई है मैंने, EWS, OBC और SC ST को जो है रिलैक्सेशन जो है वो इसमें है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली पता होता है कि यहाँ पे आपके एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पिछले साल जो पोस्ट है वो कौन कौन सी आपकी पोस्ट आई थी, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपको देखो एक ETI की पोस्ट जो होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, वो कभी कभी इन्होंने ऐड की होती है। यहाँ पे इन्होंने कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर जो है उसकी पोस्ट जो है वो 43 पोस्ट जो है वो आपकी टोटल थी इसमें। और उसके बाद इलेक्शन कानूनों की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे भी आती हैं, बट वो डिपेंड करता है हर साल जब पोस्टिंग जो आपकी या पोस्ट जो आपकी निकलती है। तो इसमें आपकी 20 पोस्ट थी। उसके बाद आपको एक्सटेंशन ऑफिसर इन द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आपको 9 पोस्ट थी, और एक पंचायत इंस्पेक्टर की आपकी 2 पोस्ट जो थी, जिसमें से जनरल की आपकी 1 थी। तो यहाँ पे इसका सैलरी अमाउंट जो है वो लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हिमाचल में 2 साल का है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ये जॉब जो है मिलेगी। ये डिफरेंट पोस्ट जो पिछली बार आपकी निकली हुई थी 2019 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी बात मैं जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सिलेबस को। देखो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो हार्डली, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप HAS की तैयारी कर रहे हो तो आपका NT और एलाइड अपने आप ही तैयार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसको निकालने का एक जरिया है। देखो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें से इन्होंने डिवाइड किया है कि 60 मार्क्स की आपकी HPG की आएगी, जिसमें भी हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री में आपका कल्चर भी आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल्स वगैरह, फेयर्स वगैरह, और जो प्रॉपर हिस्ट्री है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री है वो सारी इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में आपकी लेक्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे कल्चर कस्टम्स वगैरह सब कुछ इसमें आएगा, इकोनॉमिक सर्वे इसमें आएगा आपका। 60 क्वेश्चन जब दे दिए जाते हैं एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर हर सेक्शन से क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है आपको। तो यहाँ पे आपकी जो हिमाचल की जो सबसे बेस्ट बुक जो है, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो आपने पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के लिए क्या करनी है। इस वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि पैटर्न जो है वो क्या है। उसके बाद दूसरा आता है आपका 60 मार्क्स का आपका करंट अफेयर जो है वो आपको पूछा जाएगा। तो 60+60 आप देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, HPGK की वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप HPGK नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो ये पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 60 मार्क्स का करंट अफेयर है, और ऐसा नहीं है जैसे NT में हुआ था कि इन्होंने फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया था, बट एलाइड में हमेशा इनका होता है 60 क्वेश्चन 60 और 80 का जो एवरेज रखा हुआ है इन्होंने वो रखा ही होता है हमेशा। तो करंट इवन नेशनल और इंटरनेशनल कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके पीछे और उसके आगे 1 मंथ, जब भी पेपर से जो पेपर की डेट होती है उससे 1 मंथ पहले तक के आपको करंट अफेयर सारे जो है वो पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन दी एंड आपका 80 मार्क्स का इसमें GS है। अब मैं यहाँ GS की बात करता हूँ तो GS में देखो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी है 1857 के बाद, जैसे NT में पूछी जाती है आपकी, तो 1857 के बाद की ही हिस्ट्री आपने पढ़ने हैं, गवर्नर जनरल्स आपने पढ़ने हैं, उसके बाद जितने मूवमेंट्स हुए हैं उनको पढ़ना है आपने, जितने एक्ट्स आए हैं उनको आपने पढ़ना है, जितने फ्रीडम स्ट्रगल हुए उनके बारे में पढ़ना है, वो आपको पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन कल्चर आपको पूछा जाएगा, इसमें एंशियंट हिस्ट्री आपकी इतनी नहीं, बट इंडियन कल्चर को इन्होंने ज़रूर ऐड किया है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ भी अब कई बार होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ डाल दिए जाते हैं, बट ध्यान में रखना कि ज़्यादातर आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही पूछी जाएगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, जितने भी डिजास्टर्स हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको फाउंड किसने किया है, वो सब इसमें पूछा जाता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड और जेंडर इशू, टीचिंग और महात्मा गांधी, 5 से 6 क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी की टीचिंग्स पे पूछे जाएंगे। ये आपको NT में भी पूछा जाता है, एलाइड में पूछा जाता है, बट NT में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, वो आपको यहीं पे एलाइड सर्विसेज में देखने को मिलेगा। और यही सिलेबस जो है आपका, ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में दिखेगा। अब आपको पूछोगे सर मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं उसके बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका इंग्लिश का 150 मार्क्स का, जो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 दिनों में आपका ये पेपर होता है, 3-3 घंटे में। इट डिपेंड्स कि वो आपको 1 दिन में 2 टेस्ट लेते हैं कि 1 लेते हैं। लास्ट ईयर जो कोरोना था तो हर दिन आपका 1 टेस्ट हुआ था। सो इंग्लिश जनरली आपको क्या होती है, इसमें सब्जेक्टिव टाइप ही होती है, आपको एसे राइटिंग भी आती है, पैसेज भी आता है, ग्रामर भी आती है, सब कुछ आपको इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कैंडिडेट्स की पूरी एक चेक किया जाता है कि उसको इंग्लिश कैसे आती है। हिंदी भी सेम चीज़ होगी, इंग्लिश पैसेज आपको हिंदी में करना पड़ेगा, हिंदी पैसेज इंग्लिश में, पोइट्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एसे राइटिंग हिंदी में भी होगी। और याद रखना कि 40 मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका जो होगा उसमें 40 मार्क्स का, तो डायरेक्टली आपको एसे राइटिंग पूछा जाता है हिंदी में,
और अगर आपने इंग्लिश और हिंदी में स्कोर नहीं किया लास्ट ईयर के, अगर आप बच्चों के पूछोगे तो जीएस में इतना स्कोर नहीं है उनका, बट हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी ने स्कोर नहीं किया तो वो फिर क्लियर करने के चांसेस नहीं है। 226 मैं आपको भी बता देता हूँ, 226 जो है वो लास्ट ईयर की जो थी वो कट ऑफ थी मेंस की, ठीक है। तो आपको अगर आप हिंदी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कम से कम 80-90 अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका मेरिट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है साफ सुथरी, क्योंकि एक लिमिटेड आपको एरिया दिया जाता है, उसी में आपको क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा पेपर जो है वो लिखना पड़ता है। और उसके बाद 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव टाइप में ही आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा 200 मार्क्स है, जिसमें आपका 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके होते हैं। लिमिटेड वर्ड्स लिमिटेड सेक्शन आपको दी जाती है, उसी सेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पेपर जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा जो प्रीलिम्स का, वो सारा सिलेबस आपका यहाँ पे आ जाता है और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो देने पढ़ते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बट हाँ अगर आप सिस्टमेटिक वे में अगर तैयारी करते हैं अभी से शुरू करके मेंस राइटिंग के हिसाब से करते हैं, क्योंकि नंबर इसी के जुड़ने हैं, नंबर और किसी के नहीं जुड़ने। बट यहाँ पे सबसे सही चीज़ इन्होंने या फिर एक तरीके से कंपटीशन बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है कि टोटल आपको क्वालिफाई तभी माना जाएगा रिटन टेस्ट में अगर आप पूरे पेपर में 40% मार्क्स लेंगे, मतलब पूरे पेपर के 150 जो 500 मार्क्स आपके आ रहे हैं इनमें आपने 40% मार्क्स लेना, और ईच सेक्शन में हर सेक्शन में आपने 150 का 35%, 150 का 35%, 200 का 35% आपको ईच पेपर में लेना है, और इवैल्यूएशन शैल बी बेस्ड ऑन द पैरामीटर स्पेसिफाइड एट द अपेंडिक्स थर्ड। तो मतलब 40% टोटल मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर नहीं हुए तब भी आप फेल हो, और अगर आपके सेक्शनल वाइज 35% मार्क्स नहीं तब भी आप फेल हो। फेल का मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको मेरिट में नहीं लगेगा, पेपर आगे आपका नहीं आएगा, आपके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा जो इनका पैटर्न जो था, जो कि आप, आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ कैसे होगी या ये चीज़ कैसे होगी। बट हाँ, सिंपल वे में बोलूँ, सिंपल जीएस, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जीएस, ये तीन सेक्शंस आपके अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो इनको वन बाय वन करिए। ऐसा ना करिए कि मेरा प्री निकल जाएगा तो फिर मैं इंग्लिश और हिंदी को पढ़ना शुरू करूंगा, इंग्लिश पामे हो जाएगी आपकी, पर हिंदी जो है वो आपकी, अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं है इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो आपको आने वाली है। सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इसी इलाइट के ऊपर आपकी प्रॉपर वीडियोस बनती रहेंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे, आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके करवाए जाएंगे। सो चैनल के साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।